नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में जानकारी देंगे जिस पर दुश्मन ने हजारों बम गिराए थे, लेकिन माता के चमत्कार से सारे बम बेअसर हो गए। यह पूर्ण तौर से सत्य है कि जब हम किसी मंदिर का निर्माण कर उसमें अपने आराध्य की प्रतिमाओं को पूर्ण विधि विधान से स्थापित करते हैं, तो उन प्रतिमाओं में वह आराध्य देवी देवता सदा के लिए प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वह देवी देवता नमन करने वाले भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। इस कथन को राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित तनोट माता के मंदिर में पूर्ण तौर से सच होते हुए देखा जा सकता है। इस मंदिर पर पाकिस्तान सेना की ओर से गिराए हजारों बमों को माता ने चमत्कारिक ढंग से बेअसर कर दिया था। कहां पर स्थित है तनोट मंदिर? तनोट मंदिर राजस्थान के जैसलमेर जिले से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तनोट राय को हिंगलाज माता का ही एक स्वरूप माना जाता है। हिंगलाज माता मौजूदा समय में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। भाटी राजपूत नरेश तनु राव ने विक्रमी संवत 828 में तनोट माता का मंदिर बनवाकर मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित किया था। यह मंदिर भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। साल में दो बार नवरात्र के दौरान तनोट राय माता मंदिर में मेला लगता है। सुबह शाम मंदिर में विधि पूर्वक आरती होती है। तनोट माता मंदिर का इतिहास। कहा जाता है कि मामड़िया नामक का एक चारण था जिनकी कोई संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए लगभग 7 बार हिंगलाज माता की पैदल यात्रा की। एक रात माता ने चारण को स्वप्न में आकर पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, बेटा या बेटी? तो चारण ने कहा, माता आप ही मेरे घर पर जन्म ले लो। हिंगलाज माता की कृपा से उस चारण के घर पर 7 पुत्रियों और एक पुत्र ने जन्म लिया। इनमें से एक तनोट माता थी जिनको आवड़ माँ के नाम से भी जाना जाता है। पाक ने यहां गिराए थे 3000 बम। वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के दौरान पाक सेना ने यहां पर करीब 3000 बम गिराए थे, परंतु माता की कृपा से इस मंदिर के आसपास गिरा कोई भी बम नहीं फटा। इनमें से अधिकांश अपना लक्ष्य चूक गए। इतना ही नहीं, पाक सेना द्वारा मंदिर को निशाना बनाकर भी करीब 450 गोले बरसाए गए थे। माता के चमत्कार से एक भी बम और गोला नहीं फटा। मंदिर को किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं हुआ। मंदिर की इमारत जस की तस रही। तभी से तनोट माता जी भारतीय सीमा सुरक्षा बल की आराध्य देवी हो गई। सेना के जवान ही मंदिर की देखरेख करते हैं। मंदिर प्रांगण में प्रदर्शित है पाक बम। तनोट माता मंदिर परिसर में आज भी करीब 450 पाकिस्तानी बम आम लोगों के देखने के लिए प्रदर्शित किए हुए हैं। यह वही बम है जो मंदिर पर गिरने के बाद फटे नहीं थे। वैज्ञानिक भी आज तक किस रहस्य का पता नहीं कर सके कि आखिर यह पर बम क्यों नहीं फटे। भारतीय सेना और यहाँ के लोग इसे देवी माता का ही चमत्कार मानते हैं। सेना की ओर से यहाँ भारत पाकिस्तान युद्ध की याद में एक विजय स्तंभ का निर्माण भी किया गया है। इस मंदिर की सफाई से लेकर पूजा अर्चना और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाना भी बीएसएफ के जवान ही संभालते हैं। मंदिर के दर्शन के लिए दिखाना पड़ता है पहचान पत्र। भारत पाक सीमा होने के कारण यह इलाका बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल आने जाने वाले सभी श्रद्धालुओं पर कड़ी नज़र रखता है। यहाँ होने वाली जांच में परेशानियों से बचने के लिए परिचय पत्र पास होना आवश्यक किया गया है। दोनों ही सेनाओं के लिए तनोट माता मंदिर एक महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में माता के दर्शन करने वालों में विदेशी पर्यटक बमों के ना फटने के रहस्य को पास से देखने की जिज्ञासा लिए आते हैं। मंदिर तक जाने का रास्ता। तनोट माता के दर्शनों के लिए सबसे पहले राजस्थान के जैसलमेर पहुंचना होगा।
जैसलमेर से प्राइवेट कार, राजस्थान रोडवेज की बस आदि आसानी से मिल जाते हैं। जैसलमेर से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मंदिर। श्रद्धालुओं के रुकने के लिए यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था भी है। यहाँ विश्राम गृह बना हुआ है। सो दोस्तों, ये थी तनोट माता मंदिर से जुड़ी जानकारी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।